भाई बहुत ही यूनिक चीज़ दिखी, 40 रुपये से स्टार्ट है यार, सबसे सस्ती चीज़ हमारे को यहाँ पे ये लगी है। कितनी ही प्यारी सुंदर सी आपको एक आर्ट वर्क दिख रहा है, ये सारा सीजर से कट करके बनाया हुआ है। तो ये हमारे को एक छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस दिखा है स्टॉल, मतलब जो बंदा छत्तीसगढ़ का होगा ना तो वो जरूर यहाँ पर मतलब उनको पता चल जाएगा भाई ये चीज़ क्या रहने वाली है। भाई जो की रहने वाली है कोल्हापुरी चप्पल, सबसे पहले यह बता दो भाई ये है महाराष्ट्र की फेमस रहने वाली है। तो भाई यहाँ पर हॉल नंबर 6 जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये प्रॉपर लेडीज का रहने वाला है, क्योंकि ये है 100 रुपये का और ये सारे वेस्ट बंगाल के फेमस रहने वाले हैं। सो गाइस देखो बहुत ही सुंदर सा आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, प्यारा सा एकदम है, बाकी सब कुछ आपकी बार्गेनिंग के ऊपर है। और मैं अभी भी आपको बता देता हूँ भाई, ट्रेड फेयर का आखिरी के 2 दिन रह गए, सो आप जितनी अच्छी चीज़ें ग्रैब कर सकते हो यहाँ पर अपने घर के लिए कर लो। ये आपको बाजार में कई कितने ही मिल जाएंगे, लेकिन जे पीस आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये मास्टर पीस है। सो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दिल से। स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश व्लॉग में। सो गाइस आज मैं दोबारा आ चुका हूँ प्रगति मैदान इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, ये है सेकंड पार्ट रहने वाला है। और आप इस टाइम पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है अपना प्रगति मैदान का गेट नंबर 4 और इसी के नीचे एग्जैक्ट आपको यहाँ से नीचे जैसे जाओगे आपको भैरव बाबा मंदिर की पार्किंग दिख जाएगी, जिसका हमारे को फेयर पड़ा था पूरे दिन का 100 रुपये। पिछली बार भी मैंने यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करी थी। अगर आप यहीं पे कहीं बाहर वगैरह लगाते तो भाई किसी बंदों ने क्या कर रखा है, कुछ कुछ बंदों ने यहाँ पर अपनी प्राइवेट पार्किंग में अपना स्पेस दे दिया यहाँ पर कि तुम अपनी गाड़ी वगैरह लगा सकते हो, बट वहाँ की जो कॉस्टिंग है वो 300 रुपये कुछ रहती है पूरे दिन की। सो गाइस आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर भैरव बाबा मंदिर आपको नियर बाय यहाँ पर आपको पार्किंग में एक प्लेस मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो। और ठीक हमारे सामने यहाँ से एंटर लेते हुए गेट नंबर 4 से आपको हॉल नंबर 6 मिल जाएगा। सो सबसे पहले आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर अपना हॉल नंबर 6 और ठीक मेरे सामने है चेतन। सो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई हॉल नंबर 6 में आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कौन कौन से स्टेट के मिलने वाले हैं। चलो तब तक आप थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह इन्जॉय करो, मिलता आपको सीधा थोड़ी देर में। हॉल नंबर 6 के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं, आपको यहाँ पर सामने दिख जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पेविलियन। सो यहाँ पर आपको लेडीज सूट्स वगैरह शॉल्स वगैरह, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो चुकी है सो यहाँ पर आपको सारे शॉल्स वगैरह मिल जाएंगी। एंड अब हम लोग थोड़ी आगे निकलते हैं, आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सामने देख सकते हो यहाँ पर आपको एक प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आपको बैग्स वगैरह मिल रहे हैं जो कि लेडीज़ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको कुछ पेंडेंट एंड ज्वेलरी टाइप का कुछ सारा चीज़ मिल जाएगा। सो चलते हैं आगे, आपको एक्सप्लोर कराते हैं सुंदर सुंदर चीज़ें जो यहाँ पर आज हमारे को देखने को मिलने वाली है। नंबर 6 के अंदर हम लोग जब एंट्री लीजिए तो हमारे को भाई यहाँ पर आपको एक 10 नंबर शॉप मिलेगी, जहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारे प्यारे आपको वॉल हैंगिंग सीनरीज बनी हुई है जो कि जूट से बनी हुई है और हैंडीक्राफ्ट रहने वाली है। और इसके जो भाई यहाँ पर आपको भैया मिलेंगे, सो यहाँ पर भैया ने हमारे को बताया भाई 300 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और आपको दिखाता हूँ भाई कौन सी रहने वाली है। सो 300 रुपये के अंदर आपको ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी आपको वॉल हैंगिंग जूट की सीनरी मिल जाएंगी, ये तो बार्गेनिंग यहाँ पर हो जाएगी। और 300 रुपये का ये भी है। सो गाइस देखो बहुत ही सुंदर सा आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, प्यारा सा एकदम है, बाकी सब कुछ आपकी बार्गेनिंग के ऊपर है। और मैं अभी भी आपको बता देता हूँ भाई, ट्रेड फेयर का आखिरी के 2 दिन रह गए, सो आप जितनी अच्छी चीज़ें ग्रैब कर सकते हो यहाँ पर अपने घर के लिए कर लो, क्योंकि इसके बाद तो भाई ख़त्म हो जाएगा। बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी है एक बार आप बता दो इनकेस, जैसे अब तो परसों ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहने वाला है? जी 7985453090। सो एक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बाकी आपको कोई कार्ड वगैरह है क्या? सो एक बार कार्ड भी आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा, क्योंकि पिछली बार थोड़ी बहुत सी कंप्लेंट्स आई थी मैंने, मतलब कुछ कुछ जो स्टॉल से उन्होंने आपको मतलब दे दिया था हमारे को कॉन्टैक्ट नंबर और मैं लेना भी थोड़ा भूल गया था। सो आपको हर स्टॉल के मैं जितने ज़्यादा विजिट करूँगा वहाँ पर आपको कार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। सो आप इनका स्क्रीन शॉट लेके आप यहाँ पर भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो, काफ़ी यूनिक चीज़ लगी है मुझे। सो अब चलते हैं अगले स्टॉल में और आपको दिखाता हूँ भाई वहाँ पर क्या मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस नेक्स्ट हम लोगों ने एक स्टॉल देख लिया जो कि बहुत ही यूनिक सा लगा मुझे। अभी मैं आपको जितने आइटम दिखा रहा हूँ थोड़े वॉल हैंगिंग वाले दिखा रहा हूँ। सो ये हमारे को एक छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस दिखा है स्टॉल, मतलब जो बंदा छत्तीसगढ़ का होगा ना तो वो ज़रूर यहाँ पर मतलब उनको पता चल जाएगा भाई ये चीज़ क्या रहने वाली है। सो ये अब जो प्यारे प्यारे आप ये सारी चीज़ देख रहे हो ना, ये है लोहा शिल्प इसको कुछ बोलते हैं, और इसकी जो प्राइस रेंज वगैरह जो स्टार्ट हो जाती है 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और ये 2000 तक की जाती है, बाकी
आप थोड़े बहुत बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, दो दिन बाद जो ट्रेड फेयर है वो मतलब बंद हो जाएगा। सो इनकेस आप कोई दो दिन के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं, सो अगर आप ये चीज़ लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर यहाँ पर भेज से कॉल कर सकते हो और ये सारी चीज़ आप ऑर्डर पर भी मंगा लेते हैं। सो भाई, इस ऑर्डर पे भी आप ये चीज़ सारी मंगा सकते हो। एक बार दोबारा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ भाई, ये ना कॉन्टैक्ट नंबर इनका रहने वाला है। भाई अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, जो कि रहने वाली है कोल्हापुरी चप्पल। सबसे पहले यह बता दो भाई, ये है महाराष्ट्र की फेमस रहने वाली है। भाई महाराष्ट्र का नाम देख के ना मुझे अपनी बहन और जीजू का नाम मतलब याद आ गया था, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र में सेटल हो चुके हैं। और ये अगर आप YouTube वगैरह या Google पे भी देखोगे ना भाई, कोल्हापुरी चप्पल आप डालोगे तो भाई सबसे पहले आपको बताएगा भाई महाराष्ट्र की फेमस रहने वाली है। और यहाँ के जो ऑनर हैं, ये भैया एक बार अपना नाम बता दो। मेरा नाम सर सूर्यकांत पवार है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मेरा गाँव है। ठीक है, सो ये जो सारी आपको दिख रही है सारी कोल्हापुरी चप्पल रहने वाली है, जो कि भैया बता रहे हैं भाई एक साल से स्टार्ट हो जाती है ना। एक साल से कम अपने बड़ों की मतलब बड़ों तक की आपको यहाँ पर बूढ़ों तक की आपको यहाँ पर ओल्ड एजेस बंदों की आपको यहाँ को आपको ये कोल्हापुरी चप्पल मिल जाएंगी। और इसकी प्राइस रेंज भैया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मेरे हिसाब से कोल्हापुर की लेदर की चप्पल से 600 रुपए से स्टार्ट है, मेरे 2500 तक है मेरे। अच्छा, 600 से 2500 तक की रहती है। और बच्चों की कितने से स्टार्ट होती है? जैसे एक साल की 200 रुपए से स्टार्ट है और बाकी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हो जाती है। तो भाई बार्गेनिंग यहाँ पर आपको हो जाएगी और बहुत ही प्यारे यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये लेडीज के कितना प्यारे प्यारे आपको बने हुए हैं, जैसे कि भैया बता रहे हैं आपको दिखाएंगे अच्छी तरह। इसे यहाँ पे और एक चीज है हमारे पास, ये कोल्हापुर का फेमस है, इसे कापसी चप्पल भी बोलते हैं। ओके, कोल्हापुरी कापसी, आप यहाँ पे यूट्यूब पे डालोगे कोल्हापुरी कापसी तो इसकी बहुत सारी डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहने वाला है? कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 8308021881। बाकी नेक्स्ट स्टॉल में देखते हैं हम आपको क्या यूनिक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। की बारी आ चुकी है, हालांकि मुझे लग रहा है कि भाई हॉल नंबर 6 के अंदर हम लोग काफ़ी वगैरह एक्सप्लोर कर चुके हैं। आप लोगों ने प्रीवियस हाईलाइट्स भी देखी होंगी भाई, सुंदर सुंदर। इनकेस भाई यहाँ पर हॉल नंबर 6 जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये प्रॉपर लेडीज़ का रहने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर हर एक दो दुकान छोड़ के यहाँ पर आपको लेडीज शॉल्स वगैरह मिलने को मतलब मिल जाएंगी, सूट्स वगैरह मिल जाएंगी। जम्मू कश्मीर के आपको यहाँ पर सूट वगैरह मिल जाएंगे, जैसे आपको पता ही है भाई बहुत फेमस रहते हैं। और ये आपके सामने देख रहे हो ये चीज़, अभी एक आपको एक हैंडीक्राफ्ट आपको बैग मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्टिंग भाई यहाँ पर आपको 100 रुपये से मिलने वाले। और आपको दिखाता हूँ 100 रुपये की कौन सी है, तो भाई ये है 100 रुपये का। और ये सारे वेस्ट बंगाल के फेमस रहने वाले हैं। और सबसे एक्सपेंसिव कौन सा रहने वाला है भाई? ये वाला, जिसका भैया कह रहे हैं कि भाई इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो 40 kg की रहती है, मतलब आप इसके अंदर 40 kg आप इसके अंदर वेट उठा सकते हो, सो कोई भी सामान रख सकते हो। बाकी इसकी प्राइसिंग पूछ लो भैया, कितने का है? 250 रुपये का। ये एक्सपेंसिव है, सबसे महंगा यहाँ पर आपको भाई 250 रुपये में आपको इतनी बढ़िया चीज़ मिलने वाली है और सबसे महंगा रहने वाला है इस स्टॉल का, सबसे महंगी चीज़। और भैया आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर एक बार आप बता दोगे? 9163111678 9163111678 यस भाई, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैंशन हो जाएगा, आपको पसंद है तो आप यहाँ पर भैया से कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हो।
अभी एक और सी हमारे को यूनिक चीज़ दिख रही है, हमारा हॉल नंबर 6 ही ख़त्म नहीं होने को हो रहा है, क्योंकि आज मतलब इतनी अच्छी चीज़ हमारे को देखने को मिल रही है ना। सो अभी आप ठीक साइड में एक स्टॉल देख रहे हो, ये है कुछ पीतल वर्क से सारी चीज़ आपको बनाई हुई है, जो कि एक भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। और सामने आपको दिखाता हूँ भाई स्क्रीन के ऊपर, ये जो सामने आप देख रहे हो ना, एक कृष्ण भगवान जी और राधा रानी की मूर्ति बनाई हुई है, पीतल वर्क से है। और ये ठीक उसके नीचे एक छोटे भी हैं। सो एक अंकल जो है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस कलाकार हैं। सो इन्होंने हमारे को बताया कि भाई इनके बारे में आप थोड़ा सा डिफरेंस बताओ। सो इन्होंने हमारे को थोड़ा डिफरेंस बताया इसके बारे में, और उसके बाद हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। सो हमने सोचा कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और एक बार आप अंकल आप दोबारा बता दोगे कि ये इसका महत्व क्या है। जी जी, ब्रास मेटल का काम है, पंचलू आइटम है, ठीक है जी। वाला अपना बड़ा पीस है 45,000 रुपये का, छोटा वाला अपना पीस है 40,000 रुपये का। फ़र्क इसमें इतना है कि ये जो है वैक्स द्वारा तैयार होता है, जो मधुमक्खी से तैयार होता है वैक्स, उससे तैयार किया जाता है। और ये वाला जो है डाई प्रोसीजर है, ये आपको बाजार में कई कितने ही मिल जाएंगे, लेकिन ये पीस आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये मास्टर पीस है। इसके अलावा चलिए आप, ये हमारा मास्टर पीस है, ये वैक्स द्वारा तैयार होता है, और ये एक बार में एक ही पीस तैयार होता है, टुकड़ों में बना हुआ है। हाँ देखते जा रहे, टुकड़ों में बना हुआ है। जैसे ये है, ये कैंडल स्टैंड है, इसके ऊपर आप कैंडल लगाइए, 100 पीस में रखिए, कहीं पे भी लगाइए। और स्टार्टिंग रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये हमारा 300 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का पीस है। तो भाई 300 रुपये से लेके 1,00,000 तक का आपको यहाँ पर सामान मिल जाएगा। और ये बहुत ही अंकल, इसके बारे में बता दो, ये शंख का क्या महत्व? ये वाला डेकोरेशन में रखने वाला शंख है, ठीक है। और इसको सिर्फ अपन रूप उसी का देते हैं जो रूप पे आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने सोचा कि चलिए काली माता का फेस है, दुर्गा माँ का फेस है, तो इसको आप डेकोरेशन में हैंग करके लगाएंगे इनको। जी है, हैंग लगाएंगे, इस पर फ्लावर डाल लेंगे, वो अपना चलेगा। इसका आर्ट वर्क बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर आप देखोगे माँ दुर्गा की इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है, और अलग मतलब अलग अलग भगवान की इसके अंदर विराजमान हो रहे हैं। इसका प्राइस क्या रहने वाला है? जी वाला अपना 5,500 रुपये का है। 5,500 का रहने वाला है, क्योंकि पीतल बहुत ख्याल में नया पीस तैयार किया है, जो कि पीतल वर्क है, पूरा पीतल का काम है। इसको कलम हथौड़ी से तैयार किया जाता है, प्लाई के ऊपर अपना तैयार किया है, ठीक है। इसका प्राइस 9,000 है। कितना? 9,000 रुपये। 9,000 का। अंकल एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो कि क्या रहने वाला है, जैसे 2 दिन बाद बंद हो जाएगा ये। जी हाँ, मेरा नंबर है 3993643126। और कोई होम डिलीवरी मंगवाना चाहता हो तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर है आपका? जी हाँ, इसी पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। ठीक है। एंड इसका होम डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी कुछ लेते हो? वो होम डिलीवरी जो भी होगा उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज वो चार्ज देना पड़ेगा, आप ही को देना पड़ेगा। बहुत मान सम्मान जैसे होता है बार्गेनिंग करने का, तो वो हो जाएगा। हाँ जी, तो भाई ये सारी चीज़ आप ले सकते हो। गाइस, अब एक और चीज़ आपको बहुत ही यूनिक सी दिखाने वाला हूँ, जो कि भाई यहाँ पर हमारे को एक नॉन में मिल गई है भैया। सो भाई मैं भी देख के शौक था, और मुझे बताया था भैया ने कि भाई यहाँ पर ज़रूर जाना, मैं किसी के मतलब कहने पर आया हूँ यहाँ पर, और आपको एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ दिखाना हूँ। ये है एक सांझी पेपर आर्ट वर्क रहने वाला है, जो कि हमारे भैया हैं, और ये है आप मथुरा से, मथुरा की बहुत ही फेमस चीज़ रहने वाली है ये। ये आप जितने भी आप यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सारे सिनेमेटिक, ये सारी है ना एक सीजर कटिंग से बनाई हुई है, और भैया आपको लाइव भी करके दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। सो भाई मतलब आप वीडियो को ऐसे कंटिन्यू देखते रहो, एंड आई होप आपको ये वाली जो वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी यूनिक सी चीज़ आपको दिखाने वाले हूँ इस बार मैं पूरी वीडियो के अंदर। और अभी भैया थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, क्योंकि कस्टमर वहाँ पर और भी आए हुए हैं। सो भैया आपको लाइव आपको एक आर्ट करके दिखाएंगे, और आप ये जितने भी चित्र देख रहे हो ना सारे,
ये सारे एक वॉल पे लगने वाली चीज़ें हैं और देखो इसके अंदर सारे यूनिक से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। जैसे कि भैया मथुरा से हैं तो भाई मथुरा में अपने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है, तो भाई यहाँ पर आप जितने ज़्यादातर देखोगे ना सारे कृष्ण भगवान जी के। और देखो सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये कितनी ही प्यारी सुंदर सी आपको एक आर्ट वर्क दिख रहा है, ये सारा सीजर से कट करके बनाया हुआ है। और भैया इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है वैसे? ये वाला 130,000। 130,000। सो गाइस आप सोचोगे भाई एक पेपर से बनाई हुई चीज़ आप 130,000 में दे रहे हो। सो गाइस प्राइस तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएट हो जाएगा, बट इसके आप मेहनत देख रहे हो, कितना टाइम लगता है भैया ये बनाने में? 1.5 months। मतलब 1.5 महीने का ये पूरी मेहनत रहने वाली है, जो कि कितनी बारीकी से मतलब बनाया गई चीज़ें हैं। बाकी एक बार आप भैया से जान लेते हैं भैया का नाम क्या रहने वाला है। सो भैया एक बार आप अपना नाम बता दो क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और आप कौन सी जगह से हो? मेरा नाम आशुतोष है और मैं मथुरा से हूँ और इसको सांझी आर्टवर्क बोलते हैं, सांझी पेपर कटिंग बोलते हैं। ठीक है, इट्स ऑल ये सब कृष्णा राधा के टाइम से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, जब कृष्ण भगवान गाय चरा कर लौटते थे तो राधा जी उनका वेट करती थी, तो जो फूलों से पत्तियां गिरती थी उनको आकृति का रूप देते थे, लेकिन धीरे धीरे कला परिवर्तित हुई रंगों में और रंगों को जरूरत पड़ी सांचे, तो इसको सांझी का खाका या सांचा बोला जाता है। आज भी वृंदावन मथुरा में 12 feet by 12 feet की बेदी बनाई जाती है गोबर और मिट्टी से, फिर उस इन खाकों को रखकर सांझी बनाई जाती है सांच के समय। ठीक है, तो वन वर्ड इज इवनिंग और सब टीम वर्क में काम करते हैं, मतलब सांझी में किया गया कार। ठीक है, इसलिए अच्छा सांझी में रखा, रहे वाह देख लो गाइस यार क्या मतलब अलग ही महत्व है इस चीज़ का। और भी आप आपको लाइव सी थोड़ी सी एक पेंटिंग बना के मतलब आर्ट वर्क दिखाने वाले हैं। सो देखो ये छोटा सा एक पेपर है बट इसमें बहुत ही यूनिक चीज़ बनने वाली है। इसमें 2 से 3 मिनट लगे हैं, उससे सोचो इसके अंदर कितनी बारीकी से चीज़ बनाई हुई है और इसकी कीमत 1,25,000 से 30,000 के करीब है। बाकी इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा? नहीं सर, इट्स अ रीजनेबल प्राइस आर्टिस्ट है, फिर भी कोई चाहता है तो फिर बात करते। ठीक है, सो गाइस थोड़ा बहुत आपको मान सम्मान हो जाएगा, बाकी भैया की मतलब जो मेहनत है वो भी बेकार ना आ जाए, इसलिए आप रेट ऐसा रखना इफ आपको पसंद आती है ये सारी ले सकते हो। एंड भैया कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दोगे क्या रहने वाला है आपका? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9557558067। ठीक है, एंड आपकी स्क्रीन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा नंबर, और जैसे कि ट्रेड फेयर जो है वो 2 दिन बाद बंद हो जाएगा, सो इनकेस आप मंगाना चाहते हैं सो होम डिलीवरी वगैरह सब कुछ हो जाएगी। डिजाइंस वगैरह भैया कोई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह कुछ है? इंस्टाग्राम पे पेज है, आप देख सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, सो आप एक बार अपना नाम मतलब इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम आप वो भी बता दो। सांझी पेपर कटिंग, SANJHI पेपर कटिंग, सांझी पेपर कटिंग के नाम से आपको स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बाकी बहुत ही यूनिक सी चीज दिखी है पेपर कटिंग में, तो गाइस ये देखो ये चीज मुझे भैया ने गिफ्ट करी है क्योंकि मैंने इनकी वीडियो बनाई है और भैया मैं जैसे कि बताया कि भाई मैं नॉन में आया था, सो ये बहुत ही प्यारी सी चीज भैया ने मुझे गिफ्ट करी और मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा भाई। एंड बताना कैसा लगा भैया का हार्ड वर्क इसके अंदर। सो गाइस हम लोगों ने फाइनली एक चीज़ ले लिया, एक मैंने लिया एक और एक चेतन ने लिया, बहुत ही यूनिक सी चीज़ हमारे को दी है, एक वॉल हैंगिंग कुछ हैंडीक्राफ्ट आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि प्यारा सा रहना है भाई। 40 रुपये से इसकी कॉस्ट रहती है और ये दिल्ली की फेमस है पीलागढ़ी से। बाकी एक बार मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसे पूछ, बाकी ये देखो ये भी कितना प्यारा प्यारा सी चीज़ बनाई हुई है और कोई कुछ चीज़ इसके अंदर ऐसी है जिसके अंदर आपको लाइट्स मिलेगी। सो गाइस देखो वो देखो कुछ ऐसा रहता है प्रोडक्ट, लाइट जलने के बाद ना मल्टी कलर लाइट्स हैं, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी पीलागढ़ी के फेमस है ये, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला, कह रहे हैं भैया पीलागढ़ी की बहुत ही फेमस है और चेतन भी पीलागढ़ी के, इसको भी नहीं पता था इनफैक्ट। सो भाई कैसा लगा बताना भाई कमेंट करके, ये चीज़ बहुत ही प्यारी सी लव वर्ड्स। सो गाइस फाइनली इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में जो पूरा कवर करा है वो हॉल नंबर 6 कवर करा है, जिसमें हमारे को डिफरेंट बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिली है, बहुत ही यूनिक चीज़ हमारे को देखने को मिली है। एंड आई होप आपको ये वाली जो मैंने
सारे जितने भी स्टॉल सिखाए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि भाई मतलब यहाँ पर जो बंदों की जो हाथों की कला है ना, यहाँ पर वो चीज़ आपको दिखाई गई है। और स्पेशली यहाँ पर एक जो लेडीज़ का जो रहता है ना कि यहाँ भी स्पेशली जब लेडीज़ आती हैं तो भाई हॉल नंबर 6 उन्हीं के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के यहाँ पर आपको कुर्ती शॉल वगैरह और जो जैसे सर्दी वगैरह आ चुके तो वहाँ पर उनके कपड़े मिल जाएंगे, जो कि ज़्यादातर जूट के बने हुए हैं। पता नहीं और भी जो अलग अलग स्टेट के जो यूनिकनेस रहती है वो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जो एंड में यार मुझे और एक चीज़ लगी थी, जो कि मेरे मतलब एक नोन में थे जो जिन्होंने अपने हाथों की कला से मतलब एक चीज़ बना के दिखाई और मुझे ये चीज़ गिफ्ट में दी। सो एक बहुत ही प्यारी सी बर्ड बनाई उन्होंने, और वो जो यार पेपर वर्क है ना ये सच में मतलब बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मेहनत वाली चीज़ है। सो ये था पूरा हॉल नंबर 6 जो हम लोगों ने कवर करा इस वीडियो के अंदर। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भाई यहाँ पर जितने जितने हॉल है ना, जितना जितना हम लोग कवर कर पाएंगे। वैसे तो 1 से लेकर 14 तक यहाँ पर आपको हॉल मिलने वाले हैं, और अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स, वहाँ की क्या यूनिकनेस है, मतलब क्या क्या स्पेशलिटी है, वो आपको इस अगले वाले व्लॉग में देखने को मिलेगी। और आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस पसंद आई है तो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो, शेयर करना ना भूलो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, व्यूज़ आते हैं चैनल पर। सो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आप वीडियो देख रहे हो। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग इसी का ही रहने वाला है, प्रगति मैदान का ट्रेड फेयर का रहने वाला है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स वगैरह कवर करेंगे, मैं और चेतन। और भाई चेतन एक बार अपना नाम भी बता दे ऑफिस जो तूने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, आकाश अंडरस्कोर निकू। सो गाइस स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, एंड इसके चैनल को भी जाके प्यार दिखाओ बहुत ज़्यादा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।